हम सम सम तम तम पम पम जम जम श्री 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 मीम राम राम द्रीम द्रीम द्रवि द्रवि नमोति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्लीं मम पापम खंड खंड हन हन जय 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 पज पज पजे पजे कोट कोट श्री गणिम ओम नमोति ओम नमोति भूत श्री वासुदेव ईम ओम नम हरे जिम जिम बहा खेर भी तीश्वर पर केंद्री ईश्वर ने भी गिरी स्थिति वासी में यह दिगंबर जैन समय नाम जैसे भक्त शैर भी भक्तिगण अपना अपना नाम याद कर लीजिए, अपने अपने परिवार का नाम याद कर लीजिए, अपने अपने इष्ट मित्र बंधुओं का नाम याद कर लीजिए और अपना कोई हितेशी है अपना कोई शत्रु है तो उसका भी नाम याद कर लीजिए। खैर भक्त शैर विषय भक्त भी राधे दीदी नाम देव शैर भी राजीव जपति नाम शैर भी प्रदीप मुनि मम श्रीजस्तु तथास्तु 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 ये भक्त सी नाम देशे मम मम रत्तिम छिंदी छिंदी बिंदी अंतु काम रति काम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बड़ी काम प्रयोदम बाब बेहम चा अग्नि भाई भयम क्या शत्रु विघ्नम क्या शैर्यम क्या विघ्नम क्या विराज भयम क्या शुद्वियम क्या शुद्वियम क्या विग्रह भयम क्या दोषम व्याधिम लावलम चा जीवनंद्रम जैनंद्रम भव्यानंद्रम गिरिकुलानंद्रम विराजानंद्रम ग्राम नगर केवल संभानंद्रम शैलवानंद्रम सीमानंद्रम तीक्षितिवासीमानंद्रम अनाहत विद्य नमरंतरम शैल शांति कुरु कुरु सहा वीरम वीरम शरीर कीर्ति सिद्धि विद्धि समृद्धि प्रथमती कांति शांति समाधि वितरति भवता मुक्तिम शांति धारा ईं भूर्भुवास्वर एतद् विघ्नोगा निवारकम् यंत्रम् वयं परिसिञ्चयामः प्रतिपालिकानां यतेन्द्रसामन्तपोदनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र ये अष्ट द्रव्य से भरा थाल तेरे चरणों में लाया हूँ अष्टम वसुधा के पाने को अब चरण पूजने आया हूँ हे नाथ मोक्ष फल पाने को चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं आचार्य दया सागर जी की हम पूजा कर हर्षाते हैं हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे तेरे चरणों में लीन रहूं भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीं श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैन आचार्य पूर्वांचल में प्रथम जन रखने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमी ग्रीप नेता अवध के श्री साक्षात विराजमान आचार्य गुरु एकश्वर दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जला दी अर्घ्य हम निरपामति नमस्ते महाराज जी सभी को आशीर्वाद। हाँ आज का भक्तमर विधान बंगाल वेस्ट बंगाल जंगीपुर निवासी पप्पू रूपा सेठी परिवार की ओर से आज का भक्तमर महामण विधान संपन्न होगा। आप सभी भव्यात्माएं
ऐसी भक्तामल विधान में सहभागी बनकर परम शक्ति से पुण्य को प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोला अहिंसमय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की जय, बोले आदिशेर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय, विधि क्षेत्र के विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की जय, द्वादशांगी जिन वाणी माता की जय, ढाई दीप में तीन क्यम नौ करोड़े महा मुनि ऋषि राजों की जय, अच्छा ढाई दीप में तीन क्यम नौ करोड़े महा मुनि ऋषि राजों की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरि परम तेषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में दियो शास्त्र और गुरु इन तीनों के चरणों में निरंतर नतमस्तक हुआ करते हैं। हमारे देवादिदेव वीतरागी अरहंत प्रभु और सिद्धि प्रभु, इन्हें हम देवादिदेव कहते हैं। उनकी जो अरहंत प्रभु की जो वाणी है उसे हम जिन वाणी कहते हैं। वही जिनवाणी माँ हमारे आपके लिए 11 अंग और 14 पूर्व के रूप में प्राप्त हुई, ऐसी जिनवाणी आज हमारे पास 4 अनियोगों के रूप में प्राप्त है। प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग और द्रव्यानियोग, ऐसी 4 अनियोगों के रूप में प्राप्त है। गुरु तीन कम नौ करोड़ महामुनिराज जिन्हें हम अरहंत सिद्ध अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधु के रूप में हम उन्हें स्वीकार किया करते हैं। हमारी समझने की आवश्यकता है, प्रत्येक भव्य आत्माओं को समझने की आवश्यकता है। तीन कम नौ करोड़े महामुनिराज की जय आप बोलते हो, कभी आपने विचार किया कि वो तीन कम नौ करोड़ मुनिराज कौन है, कहाँ है, कैसे है, कभी विचार किया? कि संतोष भैया, पवन भैया, विचार किया? नहीं किया विचार, केवल मात हमारे गुरुजन बोलते चले आ रहे हैं, विद्वान बड़े बोलते आ रहे हैं, तीन कम नौ करोड़ मुनिराजों की बड़ी भक्ति भाव से जय बोल देते हैं। लेकिन वो तीन कम नौ करोड़ मुनिराज हमें थोड़ी सी विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जिनकी हम ये कारा बोल रहे हैं वो है कौन, कहाँ कहाँ है? तो हमारे वीतरागी गुरु हैं। वीतरागी गुरु छठे गुरु स्थान से लेकर जी इसी समय अभी अभी दीक्षा लिया हुआ है, वे भी तीन कम नौ करोड़ मुनिराजों में आ जाएगा। और जो
इस क्षण निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं वे भी 3 करोड़ मुनिराज्य में आ जाएंगे। यहां हमारे आचार्यों ने छठवीं गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की जितनी भी जीव हैं वे सभी 3.9 करोड़ मुनिराज्य में आ जाते हैं। उल्लेख है छठी गुण स्थान में 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार 206 मुनिराज, कितने 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार 206 मुनिराज जो कि केवल मात्र छठी गुण स्थान में और उसके उपरांत 7वें गुण स्थान में 2 करोड़ 96 लाख 99 हजार 103 मुनिराज, इतने मुनिराज कि छठी और 7वें गुण स्थान में निरंतर वास कर रहे हैं, जो आज वर्तमान में पंचम काल में छठी और 7वें गुण स्थान में रहने वाली जीव अगर मिलेंगे तो मुनिराज छठी और 7वें गुण स्थान में प्राप्त होंगे, 8वें 9वें गुण स्थान में इस पंचम काल में प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अब विशेष रिद्धिधारी महामुनिराज 8वें गुण स्थान में 9वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में और 11वें गुण स्थान में 2 करोड़ 96 लाख 99 हजार 103 मुनिराज रहा करते हैं। इसकी उपरांत 8वें 9वें 10वें 12वें और 14वें गुण स्थान में रहने वाली जीव हमारे आपके लिए 2990 मुनिराज है, ये छपक श्रेणी में आरूढ़ होकर 13वें गुण स्थान को प्राप्त करने ही वाले हैं। ईश्वर नेम प्रभ बीसेन महाभद देव सजित वीर चेति विदेश संबंधी विद्यमान बीति शंकर भ्यो नमो नमः। इन विद्यमान बीति शंकर प्रभु को हम निरंतर याद करें, ऐसी विद्यमान बीति शंकर प्रभु के समुषण में हम याद करें कि वहाँ रिद्धिधारी महामुनिराज बुद्धि रिद्धि औसत रिद्धि तप रिद्धि बल रिद्धि रस रिद्धि विक्रिय चरण रिद्धि अक्षीण महानस रिद्धि आदि के धारक आज इस पंचम काल में प्राप्त नहीं अगर हैं तो विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। हम ऐसे मुनिराजों को हम निरंतर नमोस्तु करते हैं। हम अपने जीवन में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसमें यहाँ हमारे आचार्यों ने भेद नहीं किया। पंच नमस्कार महामंत्र में कई भेद नहीं किया, चाहे वो मोक्ष जाने वाला ही क्यों ना हो और चाहे आज का दीक्षित ही क्यों ना हो। नमोकार महामंत्र का जब आप चिंतन करते हैं तो अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ऐसी विवाद रही थी अरहंतों को, जो अरहंत सिद्ध हो चुके हैं और जो आज अरहंत मौजूद हैं और जो अरहंत होने वाले हैं उन्हें को नमस्कार किया। ठीक उसी प्रकार से आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी
ये आचार्य उपाध्याय साधु हो चुके हैं और जो मौजूद हैं और जो होने वाले हैं उनको भी हमने नमस्कार किया, जिनने पंच नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया। प्यारे बंधु, ये दिमाग हमारा, ये मस्तिष्क हमारा गुणों का भंडार हुआ करता है, लेकिन इस गुणों के भंडार में हम बुरी से बुरी वस्तु को, जिससे लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, किसी भी बुरी वस्तु को आपने कहाँ बसा लिया, अपने दिमाग में बसा लिया। अब ये दिमाग, ये आपका सिर एक नारियल के समान है, श्रीफल के समान है, इसी कहीं आपको नमस्कार करना हो तो ये सिर ही झुकाया जाता है। इसमें जब बुरी वस्तु सामने भरी पड़ी होगी तो वे सामने आ जाएगी, आपका नमस्कार भी सामने वाला स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अपने दिन और दिमाग में अच्छी अच्छी वस्तुओं को बसा के रखें, गुणों को हम बसा के रखें अपने पास, तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। 18 अगस्त से 27 अगस्त तक बड़ा विधान, विशाल विधान, प्रथम बार वे विधान लिखा गया और 20 मंडल मार करें या तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में आपको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं चाहेंगे कि इस विधान में सहभागी बनकर परम 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 साथी से पुण्य को प्राप्त करते हुए अपने 3.9 करोड़ महामुनि राजों का याद करें, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने जीवन में महान महान गुणों को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। बोले 3.9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले दादसांग जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उनचरी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि भाषण मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।